नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के अतरौली से खबर है, जठंड में अलाव की व्यवस्था के प्रति नगरवासियों में भारी आक्रोश है। नगर प्रशासन का चिन्हित 18 जगह पर अलाव जलाने का दावा। बता दें कि नगर पंचायत में जहां शीतलहर और भीषण ठंड से लोग बेहाल हैं, अपने आप को गर्म महफूज करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, वहीं नगर पंचायत में कुछ चिन्हित स्थानों पर ही अलाव की व्यवस्था देखकर नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का आरोप है कि नगर प्रशासन द्वारा नगर के कुछ चिन्हित स्थानों पर ही अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि नगर पंचायत के कई वार्डों में अभी अलाव नहीं चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही इस हाड़कपाती ठंड में लोग अपनी दुकानों से दबदबती कापा जलाकर अपने आप को गर्म कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अभी आरोप लगाया कि अब अलाव के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा है। नगर पंचायत निवासी प्रवेश कुशोधन कलीम अंसारी हर्षित पांडे ने बताया कि बबर चौक से लेकर रामबचन चौक तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है, जबकि इसके अंतर्गत लगभग 150 दुकानें आती हैं। वहीं दुकानों में काम करने वाले मजदूर भी हैं जिन्हें अलाव नहीं नसीब हो रहा है। नगर में कुछ स्थानों पर अलाव तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। नगरवासियों के ने पश्चाताप का आरोप लगाते हुए बताया कि जहां अलाव जल रहे हैं वहां स्वयं दुकानदारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नगर पंचायत में कुल 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई, परंतु अत्यधिक ठंड को देखते हुए 8 और स्थानों को बढ़ाया गया है। अब नगर पंचायत में कुल 18 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे नगरवासियों को शीतलहर और ठंड से राहत महसूस हो। ऐसे सुनाते हैं कि स्थानीय नगरवासियों ने क्या कुछ कहा। मोहम्मद कलीम अंसारी, अतरौलिया मार्केट पे हैं। क्या ये अलाव की बताइए, अलाव की व्यवस्था मेरे पता नहीं क्या है। यहाँ जो हमारे यहाँ बुधनिया से लेके काम तक दुकान तक यहाँ तक कोई लकड़ी नहीं गिराया। हमने ईओ साहब से भी कहा है, बड़े बाबू से भी कहा है, 2-3 मरतबा फ़ोन भी किया है। वो कह रहे हैं कि अभी गिरा देंगे, अभी गिरा देंगे, मगर आज 3-4 दिन हो गया, अभी तक लकड़ी नहीं गिरा। लगातार ठंड पड़ रही, कोहरा भी है, कैसे आप लोग आग कैसे जला रहे हैं? हम लोग अपने अपने दुकान से गत्ता और डब्बा लकड़ी इधर उधर से ला के जला रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुशोधन। कहाँ के निवासी हैं? यहीं अतरौलिया की। क्या दिक्कत है ये आप लोग अलाव जला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देख क्या बताएं, समस्या ही समस्या है। अब यहाँ बब्बर चौक से लेकर रामबचन चौक तक जो है मेन मार्केट, और यहाँ पे जो है कि अनदेखी की जा रही है, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। बाहर से कस्टमर आते हैं यहीं पर, सबसे ज्यादा बेचारे परेशान होते हैं। हम लोग अपने पैसे का अलाव जला रहे हैं और बाकी सारे जगहों पे गिरा हुआ। शिकायत किए थे क्या, बोले ईओ और अधिकारी क्या बोले? शिकायत हमने अभी तक नहीं किया है, शिकायत करने का सोच रहे हैं कि कल जरूर शिकायत करेंगे इसके बाद। अभी आप कह रहे थे कर्मचारी से बोला गया था, हाँ कर्मचारी से बोला गया, लकड़ी गिरने का आश्वासन दिया गया था उसके लिए, आज शाम को बोला गया था, लेकिन जो है कि जब रजाई में आदमी चला जाएगा तब लकड़ी गिरेगी। यहाँ पे मैंने बोला था सुबह में, यहाँ पे गाड़ी गई है तो रोक के मैंने बोला, तो कहें कि शाम को गिरा देंगे। जो आप रूट बता रहे हैं यहाँ से लगे, यहाँ कितनी दुकानें होंगी लगभग? यहाँ पे कम से कम 150-200 दुकानें से कम नहीं है। इसके बीच में कहीं नहीं गिरा है? कहीं नहीं गिरा। ठीक है, क्या नाम है आपका? हर्षित पांडे। कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया। अतरौलिया नगर पंचायत जी। ये अलाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके बताइए। अलाव के बारे में यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की नगर पंचायत और ईओ और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हमारे मार्केट में आने वाले जितने कस्टमर हैं और यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं सबको समस्या हो रही है। ये आप लोग कैसे जला रहे हैं, कहाँ जला रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ खुद से अपना पैसा इकट्ठा करके सब लोग अपना अलाव जला रहे हैं। अलाव जला रहे हैं जी। कहाँ से कहाँ तक के अलाव, जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि अलाव जल रहा है हर जगह, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है जी, अपने यहाँ पे जितने भी यहाँ से वहाँ तक जल रहा है, सब अपने अपने पैसे से जला रहे हैं।